बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी वर्ल्ड इन्फो। दोस्तों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूं कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज जिस कंट्री के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी कंट्री है, डेनमार्क कंट्री है। डेनमार्क कंट्री में जॉब के हवाले से बहुत सारी वैकेंसीज ओपन हुई हुई हैं। आपको अप्लाई करने का तरीकाकार भी बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये अपने माइंड में उठा लेना है कि अगर आप डेनमार्क का अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दो तरह के लिंक मिलेंगे। डेनमार्क ने जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है उसका नाम है द पॉजिटिव लिस्ट ऑफ वर्क, ठीक है। ये पॉजिटिव लिस्ट ऑफ वर्क पे अगर आप जाकर जॉब अप्लाई करते हैं, ढूंढते हैं, आपने इस पे जाना है, इस पे जाके इस लिंक पे जाके पॉजिटिव लिस्ट ऑफ वर्क की अगर आप जाते हैं लिंक पे तो जाके यहाँ पे आपने अपने हिसाब से हज़ारों की तादाद में जॉब्स अवेलेबल हैं। आपने यहाँ पे जाके अपने लिए जॉब ढूँढनी है और आपने देखना है कि आपको कौन सी जॉब सूटेबल है, ठीक है। इसमें दो तरह की जॉब्स हैं, एक हायर एजुकेशन जॉब्स और दूसरा स्किल वर्कर, ठीक है। स्किल वर्कर के लिए किसी किस्म की कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है और अगर आप बात करते हैं हायर एजुकेशन स्किल वर्कर तो आप उसके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब आप लिंक पे जाते हैं, लिंक ओपन करते हैं तो आप अगर एजुकेशन आपके पास है, अच्छी एजुकेशन है तो आप एजुकेशन स्किल वर्कर पे चले जाएं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, ओनली स्किल्स हैं, तो आप स्किल वर्कर्स पे चले जाएं। तो आपको स्किल वर्कर्स पे भी आप हर किस्म का काम ढूंढ के अप्लाई कर सकते हैं और आप अगर एजुकेशन आपके पास है तो आप एजुकेशन स्किल वर्कर पे जाके भी अपने हिसाब से हर किस्म की जॉब ढूंढ के अप्लाई कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि हर किस्म की हर लिहाज से जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना है और अपने हिसाब से, अपने मुताबिक, अपने माइंड के मुताबिक, अपने स्किल के मुताबिक जॉब तलाश करनी है। जॉब तलाश करने के बाद आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको आपका जब एम्प्लॉयर है वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेता है और आपको बताता है वहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अगर वो आपको रूम और आपका जो खर्चा है वहाँ का, वहाँ के आपके एक्सपेंस हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर अफोर्ड करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, वो खाली अगर आपको जॉब ही दे देता है तो ठीक है। क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं, जाके अपना 1000, 1500 या 1800 जितना भी कमाते हैं उसमें से अगर खुद पे कोई 200, 400, 500 खर्चा करेंगे तो इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में हर इंसान को प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन आस्ता आस्ता सब सेटिंग हो जाती है। तो दूसरे नंबर पे जो लिंक आपको मिलेगा वो जॉब्स लिंक होगा। वहाँ जो वो नॉर्मल जॉब्स लिंक है जो डेनमार्क की तरफ से किसी भी कंपनी की तरफ से आई होती हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई करें तो वहाँ भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन जो पॉजिटिव लिस्ट है वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस किया हुआ प्रोग्राम है पॉजिटिव लिस्ट ऑफ वर्क, आपको उस हिसाब से जॉब्स मिलेंगी। तो मेरे भाइयों, इनकी जो फीस होती है वीज़ा फीस वो तकरीबन डेनमार्क के 4700 तक, 4700 तक बनती है जो डेनमार्क की करेंसी है उसके मुताबिक, और पाकिस्तानी वो समझ लें कि तकरीबन 2 लाख के लगभग बनती है। तो वो भी आपका एम्प्लॉय ही पे करेगा। अगर आपका एम्प्लॉय पे नहीं करता तो वो अगर आप पे करें, आपको कहता है पे करने को, तो आप वो भी पे कर सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर आप फीस पे करके टिकट वगैरह ये सब कुछ डाल के आपको 5 से 6 लाख में, 7 लाख में वीज़ा पड़ जाता है, और अगर वैसे आप डेनमार्क जाना चाहें तो आप तो डेंकी लगा के भी जाने के लिए तैयार होते हैं और डेंकी लगा के जाने के लिए आप पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। तो बात को समझा करें और बात पे जो है, जो भी बात की जाती है उस पे अमल किया करें और बात समझ के अमल किया करें। तो इसके अलावा आपको बता दूं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको
लिंक पे जाने के बाद जब आप जॉब ढूंढ लेते हैं तो आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाती है डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं आपको। तो इसके बाद अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे दें इजाज़त। आपका भाई मियाँ इस मेहर, अल्लाह हाफिज़।